हेलो गाइस नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल जीवन शैली विद सारिका आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट आप आपके घरों में बहुत स्वस्थ बहुत पॉजिटिव हैं सो गाइस टुडे आई एम कमिंग विद वेरी एक्साइटेड वीडियो एंड एज यू ऑल नो कि आज सैटरडे है एंड एवरी सैटरडे मैं मेरे चैनल पर आपके लिए स्किन से रिलेटेड लाइक स्किन के लिए कोई कोई स्क्रबिंग या कोई फेशियल या एनीथिंग फॉर स्किन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हर सैटरडे मैं मेरे चैनल पर स्किन से रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ और बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आती हूँ सो so चलिए बहुत डिले नहीं करते हैं विदाउट एनी डिलेइंगट गेट स्टार्टेड दीडियो सो uh, गाइस so आज जो है वो मैंने आपके साथ एज क्योंकि मैंने इससे पहले एक राइस टोनर आपके साथ शेयर किया था एंड मैं उसे यूज भी कर रही थी आई एम गेटिंग सो मच गुड रिजल्ट ऑफ दैट सो मुझे लगा क्यों ना हम लोग जो है लाइक like, इस सैटरडे मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी नाइट क्रीम आपके साथ शेयर करूंगी अगेन विद वेरी गुड रिजल्ट्स सो सबसे पहले हम देखिए मैं ये कोशिश कर रही हूं कि हम एक पूरी इसकी एक सीरीज बना ले सीरीज इन द सेंस कि हमने राइस स्टोनर ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है आज हम जो है वो राइस के साथ में आ, मैं आपके साथ एक क्रीम एंड अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको इसके साथ फेस पैक एंड आल्सो मैं जो हूँ इसके साथ स्क्रबिंग uh, ये सारी एक हम प्रॉपर सीरीज और फिर हम इस चीज को यूज करते हुए फिल, फुल फेशियल जो है वो उसके uh, मतलब वो राइस के साथ हम लोग बनाएंगे एंड लेट्स सी द रिजल्ट सो वो होगा अपकमिंग वीडियो में फॉर एज ऑफ नाउ मैं आपके साथ जो है वो राइस क्रीम शेयर करने जा रही हूं जिसका रिजल्ट आप मतलब मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है आप ऑलरेडी फेसबुक पे आप ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं जिनमें राइस कोरियन स्किन का सीक्रेट्स का सीक्रेट्स ग्लास स्किन हर किसी के साथ शेयर हो चुकी है सो so, चलिए एक नाइट क्रीम बहुत बढ़िया सी राइस के साथ आज प्रिपेयर करते हैं जिसके लिए सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हमें इस राइस क्रीम को प्रिपेयर करने के लिए आखिरकार क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे सो so, देखिए हमारा मास्टर इंग्रेडिएंट जो है इसमें वो है राइस आ, कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको आ, आगे चल के बताती हूँ पहले हम जस्ट इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं राइस इज वेरी गुड फॉर आर स्किन में वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी, uh, skin को जो हमारी को है जो जो uh, you know, हो गया होता है या कहीं 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 पे black, कहीं पे white, कहीं कुछ कहीं कुछ उस skin को repair करने में राइस का एक बहुत अच्छा योगदान है तो हम इसके लिए लेंगे राइस कैसे लेंगे वो आगे देखते हैं सेकेंड इनग्रीडियंट जो होगा वो होगा हमारा इसमें एलोवेरा जेल जस्ट बिकॉज ऑफ आजकल जो भी हमें चाहिए क्योंकि देर इज लॉट ऑफ हीट आउटसाइड सो वी नीड दैट कूलिंग इफेक्ट सो देखिये अः बहुत सदियों से दूसरी चीज इनग्रीडियंट जो हमारा एलोवेरा है वो भी यूज होता आ रहा है तो हम इसमें दूसरी इनग्रीडियंट लेंगे एलोवेरा विच इज अगैन वेरी वेरी गुड फॉर आर स्किन एलोवेरा के तो मतलब कितना ही बोलूं इस, इसमें हम लोग बहुत ज्यादा इन चीजों के ऊपर बात नहीं करेंगे सो so, इसके बाद हम इसमें जो है वो थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे अः क्योंकि हमें वो क्रीमी टेक्सचर चाहिए एंड आल्सो मिल्क में जो है वो क्लिंजिंग प्रॉपर्टी होती है एज यू ऑल नो कि आ, जो मिल्क है दैट इज अचुरल क्लिंजर ऑफ आर स्किन तो हम इसको जब यूज करेंगे तो हमारी आ, जो यू you नो know, पोर्स के अंदर जो डर्ट या जिस तरह जो भी सन की वजह से हमारा स्किन डैमेज हो रहा है उसमें जो है मिल्क बहुत अच्छे से हमारी हेल्प करेगा तो हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क फोर्थ हम इसमें लेंगे वाइटमिन ई e का कैप्सूल अगर आपके पास अवेलेबल है तो सही है नहीं है तो यू कैन स्किप इट आल्सो बट हाँ इसमें आपको कोई ना कोई ऑयल का यूज करना है या तो आप एलमंड ऑयल ले लीजिए या आप जो है वो कैस्ट्रल ऑयल ले लीजिए मैंने यहाँ पर कैस्ट्रल ऑयल का यूज किया था गाइस ट्रस्ट मी कैस्ट्रोल ऑयल जो होता है ना उसमें जो है वो इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है हमारी स्किन को नरिश करने की प्रॉपर्टी होती है और हमारी जो स्किन होती है ना उसको मतलब ये एक तरह से रिपेयर करता है जो लोग कुछ लोग मैंने देखा है जो खाली ऑयल से रात के समय अपने फेस की मसाज करते हैं तो वो उनका स्किन जो होता है ना गाइज दैट वॉज वो एजिंग इफेक्ट उनकी स्किन पर दिखता नहीं है तो हम इसमें वो एड करेंगे अगर आप कंफर्टेबल हैं, मैंने इस रेमिडी में ग्लिसरिन का बिल्कुल यूज नहीं करा है जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी स्किन पर थोड़ा सा की से, पिंपल्स का ब्रेकआउट का एक्ने का इश्यू रहता है इसलिए मैंने यहां पर ग्लिसरीन को स्किप किया है बट अगर आपकी स्किन पर ग्लिसरीन जाता है डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द ग्लिसरीन बट हेयर मैंने यहाँ पर यूज नहीं किया है आप ट में ले सकते हैं सो so, इस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे गाइज हमारा बहुत बहुत ब्यूटिफुल बहुत ही क्रीमी टेक्सचर वाला राइस किस से बनी हुई नाइट क्रीम सो so, चलिए अभी आप मेरे साथ और इसका प्रिपरेशन देखते हैं मिलती हूँ आपको क्रीम बनाने की राइस इस रेमेडी को बनाने के लिए जो हम राइस से आज नाइट क्रीम अपना प्रिपेयर करेंगे उसके लिए हमें चाहिए वॉश्ड राइस सबसे पहले आपने ऐसे करना है क्योंकि हमें ये जो राइस है ये ओवर कुक चाहिए होंगे तो मैंने इनको दो पानियों में जो है दो बार मतलब वॉश कर लिया है अच्छे से देन मैंने इसको जो है फोर आवर्स के लिए जो है वो सोप कर दिया था तो ये जो राइस हैं ये मैंने ऑलरेडी फोर आवर्स के लिए मैक्सिमम जो है मैंने इनको सोक किया हुआ था पानी में पानी की मात्रा जो है वो आप इससे डबल मतलब रखिएगा डबल क्या इवन ट्रिपल क्योंकि हमें इन राइस को करना है ओवर कुक एंड एटलीस्ट मैंने इसको जो है थ्री टू फोर आवर्स के लिए सोक ऑलरेडी करके रखा हुआ है सो so चलिए अभी इसको प्रिपेयर करते हैं सो so अभी ये हमने जो है ये कुक करने के लिए रख दिए हैं अभी इसको टाइम लगेगा इसको हम जो है वो ओवर कुक करेंगे सो गाइज इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आके मैं आपको एक चीज क्लियर आउट करना चाहूंगी कि देखिए या तो आप यहाँ पे आकर मेहनत कर लीजिए इनको ऐसे ऐसे करके इसको क्रश करते जाइए सो दैट कि आपको जो है बाद में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक uh, गैजेट की जरूरत ना पड़े अदरवाइज हमें इसको जो होता है ना वो मिक्सर में आपको बाद में इसको ग्राइंड करना पड़ता है तो उसके उससे बचने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत कर ली है तो मैं जो हूँ जब मुझे लगा कि चावल जो है वो कुक हो चुके हैं तो अभी हमें मतलब जो मांड होता है उसकी ज़रूरत है तो मैं इसको इस तरह से एक ये जो होता है हमारा लस्सी बनाने वाला तो मैं इसकी हेल्प से या कुछ भी आप जो मैशर होता है वो भी यहाँ पर ले सकते हैं उसकी हेल्प से हम इसको जो है वो मैश करना स्टार्ट करेंगे सो दैट कि हम बाद में कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसका यूज़ ना करें आप कर सकते हैं इफ यू आर नॉट कम्फर्टेबल तो आप कर सकते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक गजट को अवॉइड कर रही हूँ यहाँ पे तो मैं इसलिए इस तरह से इसको मैश कर रही हूँ जो तो हमारे राइस हैं वो टोटली रेडी हैं अभी देखिए इस यहाँ पे आकर आप एक चीज कर सकते हैं अगर आपके पास कोई कॉटन का कपड़ा हो तो आप उससे भी छान सकते हैं अदरवाइज आप एक जैसे ये मैंने स्टेनर लिया है स्टेनर की हेल्प से ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर भाई अभी अगर आपको वो चाहिए थोड़ा तो आपको ये चावल जो है ये बिल्कुल क्योंकि हम इसको एक क्रीमी टेक्स्चर में बना रहे हैं तो हम इसको टोटली छान लेंगे ऐसे करके देखिए आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल ये इस तरह से एक मिल्क फॉर्म में हमारे पास आ रहा है ये जो राइस है ये भी वेस्टेज नहीं है यू कैन यूज मास्क आप इसका जो है वो फेस मास्क प्रिपेयर कर सकते हैं तो इस तरह से आप सारे ही राइस में से ये जो है इसको निकालते जाइए रेस्ट ऑफ द जो आपके पास राइस है इसको आप अलग कर लीजिए इसी तरह से आपने जितना आपको प्रिपेयर करना है क्योंकि अभी बना रहे हैं हम इसको पंद्रह दिन तक फ्रिज में जो है वो स्टोर कर सकते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में भी नहीं बनाइएगा अपने जितना आपको ठीक लगे क्योंकि मैं इसको यूज़ करती हूँ और मुझे पता है कि ये मेरी स्किन पर सूट कर रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपेयर कर रही हूँ तो ये जो है ये देखिए बहुत ही प्यारा टेक्सचर, जस्ट लाइक अ क्रीम हमारे पास आ गया है अभी मैं आपको बताऊंगी हमें इसे प्रिपेयर कैसे करना है तो ये मैंने इसको शिफ्ट कर लिया ये है हमारे पास जो राइस का हमने बनाया ठीक है अभी हम लोग जो सेकंड चीज़ इसमें ऐड करेंगे गाइस दैट इज योर मिल्क आप कंसल्टेंसी जितनी चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें मिल्क डाल देंगे Then, जाएगा इसमें नेक्स्ट जिस भी ब्रांड का एलोवेरा आपके पास है आप उस ब्रांड का एलोवेरा इसमें ऐड कर लीजिए एलोवेरा हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है एंड फ्रेग्रेंस भी अच्छी आएगी नेक्स्ट अगर आपके पास यहां पर मैं एक ऑप्शन दे देती हूँ अगर आपके पास गाइज कैस्ट्रल ऑयल है तो यू कैन एड कैस्ट्रल ऑयल अदरवाइज अगर आपके पास एलमंड ऑयल है या आप नहीं है तो कोकोनट ऑयल भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं जैसे मैंने थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर किया है तो मैं यहां पर भरकर जो है वो एक ये पूरा स्कूप इसमें डाल रही हूं ये हमारी स्किन को नरिश करेगा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इसमें जाएगा दैट इज जाएगािन ई का कैप्सूल ठीक है ये भी अगेन अगर आपके पास अवेलेबल है अदरवाइज एलमंड ऑयल डाल देंगे तब भी हो जाएगा ये जो क्रीम बनकर रेडी हो रही है ना गाइज ट्रस्ट मी आपकी स्किन में इतना अच्छा ग्लो प्रोवाइड करेगी अभी आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी है मेहनत ये है कि आपको करना है इसको अच्छे से मिक्स इट विल टेक योर फाइव मिनट्स एट लीस्ट सो दैट की आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा सब चीज़ें आपस में मिल जाएं सबकी गुडनेस हमें मिल पाए एंड मी मतलब आप इसे यूज़ करेंगे ना गाइस वही फ्रेगरेंस आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप कोई मतलब ये मैं ये कहूँगी पाँच पाँच दस दस हज़ार की क्रीम को ये बीट करता है गाइज़ ट्रस्ट मी बस पाँच मिनट की मेहनत है अगर कोई कुकर में खुले राइस बनाते हैं ना गाइस तो आप वही राइस भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर उ इट इज टोटली रेडी अभी देखिए अगर क्योंकि हमें इसको फ्रीजर में स्टोर करना है कोशिश कीजिए कि आप ग्लास जार इसके लिए लें ठीक है तो ये मैंने ग्लास जार ले लिया अभी मैं इसको इसमें करूंगी ट्रांसफर ये मेरी एट लीस्ट फिफ्टीन डेज जो है वो चलने वाली है और मैं कोशिश करूंगी देखिए मैं पूरा राइस का सीरीज मैंने टोनर ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूं अभी ये नाइट क्रीम है ट्रस्ट मी इसके मतलब क्या फ्रेग्रेंस आ रही है गाइस जब आप बनाएंगे ना सी द टेक्सचर जस्ट लाइक अ क्रीम कोई ग्रैनुअल्स कुछ भी नहीं है बहुत ही स्मूथ बहुत प्यारा ये हमारी क्रीम बिल्कुल रेडी है तो अभी हम इसको जो है ये एक कंटेनर में मैंने इसको एयरटाइट कंटेनर में बना के रख लिया है अभी मैं इसको फ्रीजर में अपने फ्रिज में स्टोर करके एटलीस्ट मतलब इसको 15 टू 20 डेज में इसको आराम से यूज कर सकती हूँ सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा आपने क्रीम की पूरी जो रेसिपी है आई I मीन mean, किस तरह से मैंने उसको प्रिपेयर किया वो देख लिया होगा आप इसको बनाकर स्टोर कीजिए हेयर इज दैट क्रीम ये क्रीम मेरे पास बना हुआ अभी मैं इसको यूज करने वाली हूं कर भी मैंने मतलब कल इसको प्रिपेयर किया है तो मैं इसको दो से तीन बार अभी यूज कर चुकी हूँ सो सी द टेक्स्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट लाइक अ क्रीम आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये किसी तरह से मार्केट बेस्ड क्रीम से कहीं हटके है दिस वॉज सो सूदिंग इसमें किसी तरह का कोई भी एक भी इवन की ग्रैन्यूल तक नहीं है आप बहुत अच्छे से इसको अपनी स्किन पर अप्लाई करें एंड इससे अपनी स्किन पे रात को मसाज करें गाइस ट्रस्ट मी बहुत बहुत इफेक्ट आने वाला है स्किन पे देखिएगा इस तरह से इसको जो है आप यूज करें बहुत अच्छे से मसाज करते हुए कोशिश करूंगी मैं आपके साथ एक सिर्फ इसको लगाकर किस तरह से मसाज करनी है वो वीडियो शेयर करूंगी बट अभी के लिए आपका क्रीम टोटली प्रिपेयर है So don't delay guys, भी डिले नहीं कीजिए अगेन बता देती हूँ इसको मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं जस्ट अभी जाइए वीडियो ऑन कीजिए साथ के साथ इनग्रीडियंट आई होप सारी की सारी चीजें घर पर होंगी इसको अभी प्रिपेयर करके आपसे ही स्टार्ट करना मतलब लगाना स्टार्ट कीजिए एंड ट्रस्ट मी विदिन फिफ्टीन डेज न गाइज यू गाइज लव विद योर स्किन सो चलिए बहुत डिले नहीं करते हैं और जल्दी से जाकर इसको प्रिपेयर कर लेते हैं राइट ऐसा ही सोचना ऐसा ही सोचना है और इसको प्रिपेयर करके अपने फेस पर यूज करना है सो आई होप आपका जो वीडियो है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा गाइज तो पहले तो इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा एंड देन चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि अगर आपको बेनिफिट मिले ना तो ऐसी सोच रखिए बोलते हैं ना अगर हम कभी भी लाइफ में किसी का भला करें ना तो सबसे पहले हमारा भला खुद भगवान करते हैं तो यहाँ पर भी ऐसा ही सोचना है अगर आप आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे ना तो सही में आपको उसका इफेक्ट और भी अच्छा मिलेगा ठीक है so सो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय गाइज